हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ऐसा तो रोज सुबह सुबह लगाती हूँ, लेकिन आज उठते के साथ ही मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ। आज बालकनी वगैरह में पौधे ये सबको नहीं देखती हूँ कि पहले झाड़ू, क्योंकि रात में आंधी आ गया था। ऐसे तो सारा खिड़की दरवाजा बंद था, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आंधी आता है तो घुस ही जाता है गंदगी। तो बहुत गंदा हो गया था घर, तो मैं सोची कि चलो सबसे पहला काम जो है वो झाड़ू का ही किया जाए। झाड़ू लगाने के बाद फिर घर क्लीन हो जाएगा, फिर बालकोनी में भी अच्छा लगेगा। तो बस सबसे पहले झाड़ू, और कितनी गंदगी निकल रही है आजकल। वैसे भी पता नहीं क्या हो रहा है कि हर 2 दिन 3 दिन बाद बहुत ज़्यादा मतलब आंधी और बारिश हो रहा है। पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले साल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट इस साल गर्मी भी नहीं है अभी तक, और आंधी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो काम भी बढ़ जाता है सुबह सुबह, तो यही झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और आज कुछ सब्जियाँ भी उगवानी है, क्योंकि सारी सब्जियाँ खत्म हो गई है घर में जो था वो। तो हस्बैंड को भी उठा दूंगी मैं 7 बजे के लगभग, तो दूध और सब्जी जो है वो ले आएंगे। तो झाड़ू लगाने के बाद बस मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा बालकोनी में बैठूंगी, क्योंकि आज 6 बजते बजते मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया था। और जब बहुत ज़्यादा गंदगी होता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, और अब खुद में ही घर किरकिर किरकिर करते रहता है। तो बस झाड़ू लग गया, और अब सब्जी है तो सारे सब्जियों को धुला हुआ है ये सारा, और धोने के बाद मैं इसे बालकोनी में रखी थी, लेकिन बालकोनी में रखने के बाद 1 घंटा बाद ही आ गई बहुत तेज आंधी और बारिश। मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे आंधी और बारिश इतना जल्दी आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ बादल थोड़ा सा काला लग रहा है, आसमान तो लग रहा है कि आंधी आएगा। तो 2-3 कपड़े थे बालकनी में, वो मैं फैला रही थी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं फैलाना चाहिए। तो फैलाने के बाद जैसे ही मैं फैलाई, उसी वैसे ही मैं उतार लिया, और उसके बाद फिर मैं इधर आई, तब तक आंधी और बारिश तेज। तो ये सारे जो सब्जी थे धोने के बाद मैं बालकोनी में रख दी थी, दूसरे बालकोनी में। तो वहाँ पर छोटे छोटे पॉट है, आपने देखा होगा, गमले हैं, तो वो सारा जो उड़कर इसमें मिट्टी आ गया था, तो मुझे फिर से इसे साफ करना पड़ा। इसमें से भुट्टा मैं निकाल ली हूँ, और नेनुआ जो है उसको मैं तो अभी ही बना लूँगी, क्योंकि अभी काट कर मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी तो मैं सब्जी बना ली थी, आलू टमाटर की सब्जी बना ली थी, तो और नेनुआ भी बना लूँगी। आलू टमाटर की सब्जी नाश्ते में हो गया था, तो अभी नेनुआ बना लूँगी, और लाल साग लाए थे, और नेनुआ को मैं काट करके और बना लूँगी, और थोड़ा सा नेनुआ जो है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी आधा। क्योंकि क्या है ना कि नेनुआ अगर आप नहीं बनाइए तो ये अजीब सा सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर ये छिलाता नहीं है, कितना भी आप छिलने की कोशिश कीजिएगा लेकिन नहीं छिलाता है, ये अजीब सा हो जाता है, और टेस्ट भी इसका अच्छा नहीं रहता है। वैसे भिंडी और परवल तो चल जाता है, लेकिन नेनुआ नहीं अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर भुट्टा जो है वो मैं रख दे रही हूँ, और बाकी सारी सब्जियों में मुझे डबल काम पड़ गया था, तो मैं धो करके फिर इसका पानी सुखा करके फिर से मैं इसे वापस रख दे रही हूँ। और ये नेनुआ मैं आ गई हूँ बनाने के लिए, और नेनुआ एकदम फ्रेश है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि पिछली बार जो नेनुआ लाए थे ना, तो वो मैं बना नहीं पाई थी तुरंत, क्योंकि और भी कोई सब्जी था, तो मुझे लगा अच्छा बनाएंगे बनाएंगे, तो अच्छा बनाएंगे के चक्कर में जो है नेनुआ बना ही नहीं था। तो सारा नेनुआ जो था वो छिला ही नहीं रहा था, किसी तरह बस बना दिए थे, क्योंकि उसके छिलके जो थे वो उतर ही नहीं रहे थे, और बहुत सॉफ्ट हो गया था, तो इसकी वजह से सब्जी पिछली बार अच्छा नहीं बना था। तो इसलिए मैं इसे बस अभी तुरंत ही काट कर रख दूंगी। अगर काट कर नेनुआ रख लेते हैं अच्छे से स्टोर करके,
तो फिर वो खराब नहीं होता है, वो ठीक रहता है। लेकिन अगर ऐसे ही निनुआ अगर हम रख ले फ्रिज में तो वो खराब हो जाता है, एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। इसकी सब्जी भी टेस्टलेस बनता है ऐसे, और अदरवाइज ऐसे तो वो निनुआ बहुत ही अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं बहुत कोशिश की हूँ इसे खाने की, बट मुझे किसी भी कंडीशन में निनुआ, ठंडा लौकी, ये दो तीन सब्जी जो है वो एकदम नहीं अच्छा लगता है, मैं एकदम खाना ही नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। तो इसे मैं छील लूंगी, ऐसे तो आप बिना छीले भी इसे बना सकते हैं, बट छीलने से क्या होता है थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बिना बिना छीले भी इसका सब्जी जो है वो अच्छा लगता है, वो फ्रेश नेनुआ का। तो यह मैं सारा नेनुआ जो है वो काट ली हूँ, और काटने के बाद इसको क्या करूँगी कि आधा ही नेनुआ मैं बनाऊँगी। नेनुआ मैं एकदम सिंपल, मेरे यहाँ नेनुआ खाया जाता है, बहुत सारे लोग इसमें प्याज टमाटर डालकर बनाते हैं और मसाले डालकर बनाते हैं, बहुत सारा लोग भरवा नेनुआ बनाते हैं, और बहुत सारा लोग इसे एकदम सिंपल बनाते हैं, बहुत सारे लोग चना और मसूर की दाल के साथ बनाते हैं। बट हमारे यहाँ जो है वो सब्जियों का नेचुरल टेस्ट चाहिए होता है। अगर नेनुआ है तो नेनुआ की तरह ही बस बहुत सिंपल आप लहसुन, राई, मेथी और जीरे का तड़का लगाइए, और उसके बाद फिर उसमें कुछ नहीं, नमक और हल्दी डाल करके और बना दीजिए। तो बस मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ नेनुआ का सब्जी। तो सारा नेनुआ मेरा कट गया है, और इसको क्या आता है ना कि कार्तिक जब स्कूल जाने लगता था तो मैं अगर नेनुआ बनाती थी तो मैं रात ही में इसे काट करके रख लेती थी, क्योंकि ये सब्जी जो है वो थोड़ा पकने में तो नहीं बट काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे, तो इसलिए। तो बस हमारा जो है वो इधर कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, और थोड़ा सा ही बस देख लीजिए आधा चम्मच से भी कम मैं तेल दी हूँ, और इतना ही तेल दी हूँ जिसमें कि ये तड़क जाए, इसका जो फोरन है, छोंक है, वो तड़क जाए। और इसके बाद बस इसमें मैं थोड़ा सा नेनुआ डाली हूँ, और नेनुआ डालने के बाद इसमें बस नमक हल्दी डाल करके और ढक देंगे। नेनुआ जो है वो अपने आप पानी छोड़ता है, और बहुत पानी होता है। अगर नेनुआ छोटा होता है तो कम, और अगर ये मोटा होता है और बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, इतना ज़्यादा पानी इसमें से निकलता है कि मत पूछिए, और सब्जी भी उतना टेस्टी नहीं होता है। तो हमें अभी भी याद है कि जहाँ मम्मी रहती थी वहाँ पर नेनुआ का ये पौधा लगाती थी, पौधा नहीं इसका बेल होता है, तो वो लगाती थी, तो बहुत फलता था, इतना फलता था, इतना फलता था। और खाते खाते कुछ कुछ नेनुआ जो होता था वो मोटा हो जाता था, और वो पकाते तो बहुत पानी होता था कढ़ाई में, बहुत ज़्यादा पानी। तो ये है, और इतना नेनुआ हमारा बच गया है तो इसे मैं वापस फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ लाल साग आज लाए थे तो लाल साग भी मैं तुरंत ही बना लूंगी, क्योंकि ये सब जो है वो ज्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो लाल साग में मैं चना डाल के बनाई हूँ आज। ऐसे तो लाल साग प्योर लाल नहीं है, और ये क्या हुआ कि मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं ये रखी, इधर देख रही थी उधर रख रही थी, मुझे लगा कि हाँ सही तो रखा गया। जैसे ही रखी पता चला कि वो उस स्लैब पर नहीं रखा करके नीचे था, और सारा चना जो है गिर गया। तो सुबह सुबह ही काम मेरा बढ़ गया है। और आज भुट्टा के साथ आम भी लाए हैं, मतलब तीन चार फ्रूट लाए आए हैं। तो तीन आम जो था वो तो थोड़ा सा कम पका हुआ था, तो उसे मैं चावल में अंदर घुसा के रख दी। चावल में अंदर घुसा के रखने से क्या होता है कि आम जो है वो पक जाता है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पक जाता है। या तो फिर आप पेपर में लपेट के रख दीजिए, या तो फिर भूसा में हम लोग रखते थे गाँव में थे, तो जब दादी के यहाँ जाते थे हम लोग सारे भाई बहन अपने अपने आम को भूसा में लपेट कर रखते थे, और उस टाइम तो बहुत मज़ा आता था। तो यही है, थोड़ा सा कच्चा पर था, या मतलब कच्चा नहीं पका हुआ ही है लेकिन खट्टा पर था थोड़ा सा, आम अच्छा नहीं था।
ऐसे आम के मैंगो शेक वगैरह ही अच्छे लगते हैं, बट ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में हम लोग जो कट गया था उसे फिर नमक के साथ खाए, खट्टा मीठा अच्छा लग रहा था, और फिर मैंगो शेक बना दिए, और अभी 3 आम है और पड़े हुए हैं। कार्तिक तुमको भी जाना है बस में, पता नहीं जाओ किधर है ये। फोटो भी खींचते हैं। भाग जाएगी बाबू, तुम जाओ, तुम भी तुम्हारे भी खींचते हैं, तुम जाओ बाबू के पास। हाँ अरे बाप रे, इनका खुल खुली देखिए आधा। कार्तिक तुम्हारा नहीं आ रहा है फोटो, तुम और सको इधर देखो ना, इधर इधर। लॉकडाउन में हमारे घर में चिड़िया आई, सबके घर में बंदर, हमारे घर में चिड़िया आई। अरे गया छोटी सी चिड़िया रानी, कल चिड़िया खरीद लो जुम कर। एकदम बच्चा है। एक आध महीना में तो बड़ा हो जाता है, 3 4 5 दिन का होगा, अभी उड़ना सीख। करते किधर देख बेटा, तुम्हारा खाली माथा आ रहा है। इधर देखो बोलू, चिड़िया के साथ, चिड़िया के साथ। गोया 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 आंधी पानी में एक बेचारी माए से दूर हो गई अपनी। लाइए तो जरा सेल्फी करके। मौसम बहुत अच्छा था, धूप बहुत अच्छी निकली थी, बट 10 बजते बजते बहुत तेज बारिश हुई। इतनी तेज बारिश होने लगी अचानक से, और एकदम काला हो गया, एकदम आंधी आ गया। मतलब मुझे लगा कि ऐसा कि मौसम थोड़ा खराब हो रहा है। मैं कपड़े फैलाई थी तो मैं कपड़े उठाई, और कपड़ा उठाते उठाते 5 मिनट के अंदर इतना काला और इतनी तेज बारिश होने लगी। बहुत तेज बारिश और बहुत आंधी आई। यहाँ जो सीढ़ी पर है, सीढ़ी पर का बहुत सारा शीशा जो है वो नीचे टूट करके गिर गया है, और बहुत ज़्यादा ये हुआ है। और उसी बारिश में मेरे घर में एक चिड़िया आ गई। जैसे ही बारिश कम हुआ तो मैं गेट खोली तो बालकोनी में वो सिकुड़ कर बैठी हुई थी, तो वैसे ही वो मेरे घर में अंदर आ गई चिड़िया। और फिर मैं उसे बाद में दाना दी, लेकिन वो खाई नहीं, वापस मैं उसे बालकोनी में ही छोड़ दी पकड़ कर, क्योंकि उसकी जो मदर है और फादर हो गए, जो भी है चिड़ा और चिड़िया, तो वो दोनों बहुत देर से आ रहे हैं बालकोनी में, जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब उड़ उड़ के आते हैं जाते हैं। मैं बालकोनी में हमेशा पानी का जो है वो कप रखती हूँ, मेरा 3 बालकोनी है, तीनों में मैं रखती हूँ, ताकि चिड़िया जो है वो प्यासी न रहे। तो सुबह सुबह कार्तिक को बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह जैसे बेड से उठ करके बालकोनी का गेट खोलती हूँ तो देखती हूँ कभी मैना, कभी गौराया छोटी वाली जो चिड़िया है वो, या कभी कबूतर। कबूतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो वो पानी पीते रहते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है, एक सुकून सा मिलता है चिड़िया को देख करके, उसको पानी पीना देख करके। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें अपने आसपास का और चिड़ियों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो जो छोटी वाली चिड़िया है ना गौरैया, वो चीची 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 करती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग जाता है, और उसका इतना चीची करती है, तो इसलिए उनके लिए खास करके मैं हर एक गर्मियों में पानी रखती हूँ उनके लिए। तो आज चिड़िया जो है वो छोटी सी बच्ची थी चिड़िया की, अब बच्चा या बच्ची मुझे नहीं पता, लेकिन खैर जो भी थी आज दिन बना दिया। इतनी बारिश इतनी आंधी हुई। मैं अब सब्जी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे आ नहीं रहा, मैं भी सीख रही हूँ कि कैसे ब्लॉग बनाया जाता है, तो मैं भी लर्निंग पीरियड में हूँ।
कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ खराब होगा, तो यही है, सीख रही हूँ कुछ, बस जो भी है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।